जनपद आगरा के ट्रांसमनद क्षेत्र के नगला बिहारी में रहने वाले देवलाल के घर खुशी का माहौल बन गया जब उनकी दृष्टिहीन बेटी यमुना का चयन रक्षा मंत्रालय के वायुसेना कोर में हो गया। अपनी बेटी यमुना की सरकारी नौकरी लगने पर पिता गर्व महसूस कर रहे थे। अपने क्षेत्र की नेत्रहीन बेटी को इस मुकाम को पा लेने पर समाजसेवियों व एनजीओ की संस्थाओं ने यमुना का स्वागत सम्मान किया। वहीं डीबी भारती समाचार के संवाददाता रंजीत सिंह ने यमुना से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, न ही किसी के कमजोरी का बहाना बनाया जा सकता है। मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत व लगन को अपने मुकाम का श्रेय बताया। यमुना ने यह भी कहा कि उसका सपना आईएएस बनने का है जिसके लिए वो तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम यमुना है जी। आप बताइए ये जो आपकी रक्षा मंत्रालय में जो सरकारी जॉब लगी इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था एसएससी का जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन डिफेंस में हुआ है यानी डिफेंस एयरफोर्स और मैं प्रेजेंट में अकाउंट की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। और जो अब तक मेरी पोस्टिंग थी वो नागपुर महाराष्ट्र में थी। प्रेजेंट में मेरा ट्रांसफर हो गया है जो पीसीडीए आरकेपुरम न्यू दिल्ली। आप क्या संदेश देना चाह रही हैं उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधाएं हैं लेकिन हम मुकाम हासिल नहीं कर पाए? आप एक नेत्रीन होकर आपने ये मुकाम हासिल किया इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सर मैं जितने भी अपने साथ के लोग हैं मैं उनको ये गाइड करना चाहूँगी कि उनका पहले एक छोटा सा एम होना चाहिए कि हमको कुछ लाइफ में करना है, उसके पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ तक का जो भी मेरा सफ़र था उसमें मुझे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट मिला, लेकिन हाँ आगे मैंने मेहनत की पर उसके पीछे जो भी सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का था और जितने भी साथ के लोग हैं उनको भी अपने पेरेंट्स का सहारा लेकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमको बोरिंग लगती हैं फिर भी उनको हम टुकड़ों में कर करके पढ़ सकते हैं और एक शॉर्ट नोट्स के रूप में रख सकते हैं जिनको सैटरडे संडे रिवाइज करके और हम एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं। कैसा फील कर रही हो इस समय आप सरकारी जॉब पाकर? सर मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।